नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी अभी एक नोटिस आरआरबी के वेबसाइट पे आया है। आरआरबी के कोलकाता के वेबसाइट पे आप जाकर चेक करेंगे तो एक नोटिस आया है। हालांकि ये नोटिस का कोई तुक नहीं बनता है, बस ऐसे ही मज़ा लेने के लिए बस नोटिस वगैरह निकालते हैं, काम की बातें तो वो करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी जो नोटिस में है, क्या है नोटिस में, उसको अपन देख लेते हैं कि क्या चीज़ के रिगार्डिंग ये नोटिस निकाला है। ये जो रेलवे है वो बोल रहा है कि इनको बहुत कंप्लेन मिल रहे हैं कि फर्जीवाड़े तरीके से आपको नौकरी दे दिया जाएगा, यानी कि बहुत सारे दलाल के चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट पड़ चुके हैं कि ये कह रहे हैं, दलाल कहते हैं कि हमारा जो पहुँच है वो बोर्ड तक है या जहाँ पे एग्ज़ाम होती है सेंटर है वहाँ के जो हेड है उन तक पहुँच है, तो इसके नाम पे बहुत सारे पैसे ऐठे जा रहे हैं। तो ऐसा कंप्लेन आरआरबी को मिला है। तो आरआरबी ने एक नंबर जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर 182, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर कहीं हेडिंग में लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर 182। तो इस पे 24x7 यानी कि आप 24 आवर और सातों दिन आप कॉल कर सकते हैं इस पे कि आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है, कोई भी दलाल आपको कॉन्टैक्ट करता है कि आपको जॉब दिला देगा या किसी भी तरीके से, तो आप रेलवे को इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। देखिए ये सब चीज़ें तो बस बहानेबाजी कर रहा है रेलवे। रेलवे बोर्ड को अभी ना जेई का अभी रिजल्ट निकाला है, ना आपके एनटीपीसी का डेट निकाला है, ना ही आपके ग्रुप डी का कुछ डेट निकाला है। उसके रिगार्डिंग तो कोई नोटिस दे नहीं रहा है, बाकी फालतू के नोटिस दे के मतलब कि बदगला रहा है लोगों को। मतलब क्या कह रहा है यार कि ये नंबर पे कॉल करो, पहले तो ये तो बताओ कि पहले एग्ज़ाम होगी कि नहीं। अब नंबर पे क्यों कॉल करें, जब एग्ज़ाम ही नहीं होगी तो फिर क्यों कॉल करें ना। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन मुझ में भी है और आप में भी है, मुझे पता है कि आप में भी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी होगी। इतना दिन तक वेट करते करते तो कितने लोगों का कुछ भी हो गया होगा, कुछ भी मतलब कि कहीं तो शादी हो गया होगा, कोई का गर्लफ्रेंड छोड़ दिया होगा, तो मतलब मैं समझ सकता हूँ यार, मैं भी आप ही जैसा इंसान हूँ। हालांकि वो अलग बातें हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, आप थोड़ा मतलब कि हो जाता है, लेकिन आप भी जॉब कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल को समझ सकता हूँ कि किस हद तक आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। तो ये बीच बीच में इस तरह के जो नोटिस बकवास वाले जो नोटिस भेजते रहता है ना, उससे तो और भी गुस्सा बढ़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर भी सकते हैं क्या, अपन लोग छोटे मोटे आदमी हैं, कर भी कुछ नहीं सकते हैं। जो दिया उसी को पढ़ के उसी को पे मतलब कि एनालाइज करके संतुष्ट रहना पड़ता है, ठीक है। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक कि जब भी आएगा कुछ भी आएगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।